हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन दोस्त पुनीत। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 7.4 की जो है वो कैमरा सेटिंग्स, फोटो वाली और वीडियो वाली जो है लेके आऊँगा। तो ये जो वीडियो है इट्स अबाउट फोटो सेटिंग्स। अगर आपने 7.4 परचेज कर लिया है तो फोटो में कौन कौन सी सेटिंग्स आपको करनी है वो मैं आपको डीपली इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये कैमरा जो है वो नए मेन्यू में आता है और ऑफकोर्स 33 मेगापिक्सल है, तो हमें इसकी सेटिंग्स को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोटो में कौन कौन सी सेटिंग्स हमें करनी है। वीडियो के लिए जो है दूसरा वीडियो जो क्विकली स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम चैनल पे तो कर लें सब्सक्राइब और फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो कैमरा का मेन्यू नजर आ रहा होगा मेरे, राइट? एंड यू कुड सी के यहाँ पे आपको जो है वो पूरा मेन्यू इस तरीके से, आप नया वाला जो मेन्यू है इस तरीके से नजर आता है। मल्टीपल सॉर्ट ऑफ कलर्स के टैब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप फोटो की सेटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कैमरा को जो है वो फोटो मोड पे डालना पड़ेगा, तभी जो है वो आपको फोटो वाली सेटिंग्स दिखाई देगी। जैसे अभी आपको यहाँ पे आपको JPEG नजर आ रहा है और HEIF स्विच दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्विच है जो कैमरा के मोड डायल के नीचे है, फोटो वाला और वीडियो वाला। जैसे ही मैं इसको वीडियो पे करूंगा एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो फोटो वाली सेटिंग्स जो है वो चली गई है, वीडियो वाली सेटिंग्स ही दिख रही है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको फोटो मोड पे रखें, तभी आप जो है वो फोटो वाली सेटिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? मेन्यू वन में आते हैं। सबसे पहला जो है हमें इमेज क्वालिटी मिलता है, ठीक है? इमेज क्वालिटी में आप अगर JPEG कर रहे हैं तो JPEG में ऑफकोर्स आपके पास JPG का ऑप्शन है, JPEG का ऑप्शन है। देन एज आई सेड इसमें HEIF फॉर्मेट है, तो 10-bit वाला है, 10-bit फोटो 2 है ना, और 10-bit फोटो 0 है। तो आप इनमें से भी अगर आपको कुछ फॉर्मेट ये वाला पसंद आता है आप इसे एडिट कर सकते हो। देखो Lightroom पे इसका सपोर्ट आ चुका है, तो आप अगर शूट करना चाहो तो एडिट हो जाएगा Lightroom पे आसानी से। बट नॉर्मली जो इसका प्रीव्यू नहीं आता है जब तक अगर आपका लैपटॉप जो है वो विंडो अपडेटेड नहीं है। अगर आपकी विंडो अपडेटेड है तो आप प्रीव्यू देख पाएंगे इसका, फुटेज इसका नॉर्मली गैलरी में अपने, अदरवाइज आपको वो लाइट रूम में ही सब कुछ करना पड़ेगा जैसे हम लोग रॉ पे करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी JPEG करो अगर आपके पास नया विंडो लैपटॉप है, तो फिर उसके बाद आप इनको भी ट्राई करके देख लेना, ये भी बहुत अच्छे फॉर्मेट है, ठीक है? इमेज क्वालिटी मैंने जो है, एक सेकंड, मेरा कैमरा क्रॉप मोड पे रखा हुआ है। अब हम लोग इमेज क्वालिटी में आते हैं। तो इमेज क्वालिटी में आप देख सकते हैं कि आपको 33 मेगापिक्सल पर और क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? तो आपको JPEG, देन रॉ एंड रॉ प्लस JPEG, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? रॉ टाइप, अभी JPEG मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, एक बारी मैं रॉ सिलेक्ट करता हूँ। तो हम लोगों को जो रॉ है वो लॉसलेस कंप्रेस चाहिए, अनकंप्रेस चाहिए और कंप्रेस चाहिए। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो आँख बंद करके, ठीक है? और ऑफ कोर्स जब अगर आप अनकंप्रेस पे जाओगे तो साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा, कंप्रेस पे जाओगे तो थोड़ा छोटा बनेगा साइज़, और लॉसलेस कंप्रेस पे जाओगे तो साइज़ जो है वो थोड़ा ठीक ठाक बनेगा विदाउट लूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ रॉ क्वालिटी, ठीक है? JPEG की क्वालिटी में जाते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पे फाइन, एक्स्ट्रा फाइन जो है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। सबसे छोटी साइज़ की फाइल बनानी है लाइट पे चले जाओ, और बड़ी साइज़ की फाइल बनानी है तो एक्स्ट्रा फाइन पे चले जाओ। तो मैं एक्स्ट्रा फाइन ही हमेशा सेलेक्ट करके रखता हूँ। 33 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 8.2 मेगापिक्सल, तो इनमें से आप कोई भी जो है मेगापिक्सल सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी रेजोल्यूशन पे आपको फोटो शूट करना है अपना। तो आई विल कीप इट ऑलवेज ऑन 33 मेगापिक्सल, ठीक है? एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ कोर्स 3:2 रखता हूँ मैं, ठीक है, जो कॉमनली रहता है जनरली। एंड फाइल फॉर्मेट जो है वो मेरा जो रहता है वो रहता है, सॉरी, ये वीडियो की सेटिंग्स हैं तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है? आप APS-C मोड जो है वो असाइनेबल रहता है, आप अगर अंदर से भी जाके ऑन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो ऑफकोर्स, बट मैंने इसको असाइन किया हुआ है C3 बटन पे, जिसके ऊपर आगे मैं बात करूँगा, ठीक है? तो ये फोटो के बेसिक सेटिंग्स हैं। मीडिया में आप, तो फोटो रिकॉर्डिंग मीडिया है, आप देख सकते हैं फोटो रिकॉर्डिंग मीडिया में हम लोगों ने स्लॉट 1 रखा हुआ है, और वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया को भी मैंने स्लॉट 1 रखा हुआ है। तो बेसिकली आप इस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो कि अगर आपको वीडियो, अगर आप फोटो वीडियो करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि फोटो ए मेमोरी कार्ड में जाए, फर्स्ट मेमोरी कार्ड में, और वीडियो बी मेमोरी कार्ड में जाए, तो दैट ऑल्सो यू कैन सिलेक्ट। ये आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो ये आप कर सकते हो फॉर श्योर। अगर आपको सेग्रीगेशन करना है फोटो वीडियो का, आप चाहते हो कि आपकी फोटोज़ अलग हों वीडियोज़ अलग हों, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? ऑटो स्विच मीडिया, आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जैसे एक मेमोरी कार्ड फुल होगा दूसरे में ऑटोमेटिकली जो है रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको दोनों ही मेमोरी कार्ड में सेम फोटेजेस चाहिए हो, तो वीडियो में भी अगर आपको चाहिए हो और फोटो में भी चाहिए हो, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, फोटो के लिए भी बैकअप बनता रहेगा आपके साइमल्टेनियसली दूसरे मेमोरी कार्ड में, ठीक है? अब इसके अलावा हम लोग फोकस पे आते हैं, बिकॉज फोकस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, हमको वो देखना होता है फोटो में, ठीक है?
जिसमें आप देखेंगे फोकस मोड आप कंटिन्यूस रखो, सबसे बढ़िया रहेगा ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग स्पीड है उसको आप रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है AF इल्यूमिनेटर मैंने ऑटो रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लाइट, ये आपको दिखा देगा, ठीक है। अपर्चर ड्राइव इन AF ये मैंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो बेसिकली फोकसिंग का पार्ट है। एंड अगर हम लोग फोकस एरिया की बात करें नीचे, तो हमको आई आउट ऑफ फोकस जो है वो ऑन रखना है अगर आपको ह्यूमन आइज़ की वीडियोज़ रिकॉर्ड फोटो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर आप जानवर हो यानी बर्ड्स की, डॉग्स की, एनिमल्स की कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक फोकस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मैंने फोकस में बेसिक सेटिंग करी हुई है, ठीक है। फोकस में इसके अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है। अब जो लास्ट हम लोग बात करते हैं वो बात करेंगे कस्टम सेटिंग्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हो कैमरा में, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड ऑपरेशन कस्टमाइजेशन मिलता है, ठीक है, और डायल कस्टमाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो हम ऑपरेशन कस्टमाइजेशन में जाएंगे, कस्टम डायल, कस्टम की डायल सेट। तो ये फोटो वाला है, आप देखिएगा जैसे फोटो का लोगो बनाया, इट मीन्स आप फोटो के लिए असाइन कर रहे हो, जैसे वीडियो का लोगो बनाया आप वीडियो के लिए असाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मैं फोटो के लिए जाता हूँ, एंड देन वी डू हैव ऑल दीज बटन जिसको हम लोग कस्टम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो वन बटन है वो ऑटो एक्सपोजर लॉक होल्ड पे रखा हुआ है, सेकेंड जो है वो ऑटो फोकस ऑन पे रखा हुआ है, मुझे अगर ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस में स्विच करना है, ठीक है। देन उसके बाद वाइट बैलेंस जो है वो मैंने कस्टम 3 पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टम 4 पे मैंने जो है मेरा APS-C मोड रखा हुआ है। तो ये एक सबसे यूजफुल सॉर्ट ऑफ ऑप्शन है जिसकी ऑलवेज नीड पड़ती है मेरे को, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और कस्टम 5 को मैंने रखा हुआ है टच ऑपरेशन सिलेक्शन के लिए। अगर सपोज करो आप टच ऑपरेशन को ऑफ करना चाहते हो, तो आप कस्टम बटन 5 को प्रेस करो, आपका जो टच ऑपरेशन है वो बंद हो जाएगा। ये सेटिंग जो है मैंने रियर डायल्स पे करी हुई है, रियर बटन्स पे, ठीक है। हम लोग रियर 2 पे आए तो हमारे पास में जो जॉयस्टिक है उसको मैंने फोकस स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। 2 को मैंने सेंटर बटन को जो है अभी तक कोई कस्टम नहीं करा हुआ, बट आप इसको कस्टम कर सकते हो। आपको इस तरीके से ये मेन्यू ओपन होगा जब आप यू नो कस्टम्स डायल्स में आएंगे। तो मैं इसको इस पर रखूँ डायल्स पे, फाइंडर मॉनिटर की मैं ब्राइटनेस पे डालता हूँ, ठीक है। ब्राइटनेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को काम आता है जनरली, ठीक है। मॉनिटर ब्राइटनेस जब मैं सेंटर बटन को प्रेस करूँगा मॉनिटर ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड नंबर बटन जो है वो बेसिकली ड्राइव मोड के लिए सिलेक्टेड है, फोर्थ नंबर ISO के लिए है, और फिफ्थ नंबर मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया। तो जब आप ओपन करते हैं किसी भी बटन को कस्टम करने के लिए, इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन को जो है वो कस्टम असाइन कर सकते हो अपने फोटो और वीडियो के लिए, ठीक है। देन हम लोग नीचे आते हैं, हमारे पास टॉप कस्टम बटन है 1 और 2। तो एक जो है ये रिकॉर्डिंग वाला है, मूवी शूटिंग वाला बटन, और जो नीचे वाला है वो फोकस एरिया के लिए मैंने बेसिकली दोनों असाइन हुए हैं। तो जो सेकंड नंबर C2 बटन है मैंने फोकस एरिया पे असाइन किया हुआ है, मूवी शूटिंग के लिए मैंने जो है वो मेरा मूवी शूटिंग वाला वीडियो वाला बटन को असाइन किया हुआ है। अगर आप इसको फोटो में कस्टमाइज करना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू इट एज पर योर नीड। लेंस वाला बटन है, वो फोकस होल्ड पे रहता है हमेशा, अगर आप उसको चेंज करना चाहो कर सकते हो। बात करते हैं डायल्स की, डायल और व्हील्स की, ठीक है। तो जो फर्स्ट व्हील है आगे वाला, उसको मैंने अपर्चर पे, अपर्चर कंट्रोल पे है वो, ठीक है, मैनुअल अपर्चर कंट्रोल पे। सेकंड व्हील जो है वो शटर स्पीड के लिए है, ठीक है। थर्ड जो है वो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन पे है, बट मैंने इसे हटा करके और ISO पे डालना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा कंट्रोल मेरे थंब पे हो, ठीक है। तो मैंने इसे अभी ISO पे कर दिया। तो अब मेरा जो ISO है वो मेरे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन वाले जो डायल है उससे मैं चेंज कर सकूंगा। अब फोर्थ जो डायल है वो अभी ब्लैंक हो गया है, तो आप उस पर भी कोई ना कोई असाइनेशन डाल सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इसको WB टेम्परेचर पे जो है वो असाइन कर दूंगा, केल्विन टेम्परेचर पे ये मैंने असाइन कर दिया। अब जो सेंटर बटन है वो मेरा डायरेक्टली केल्विन को जो है वो कंट्रोल करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छे से मैंने फोटो के लिए इसे असाइन कर दिया है, एंड यू कैन सी के कस्टम बटन इस तरीके से मैं असाइन करता हूँ, ठीक है। फिर आप नीचे आएंगे, आपको FN बटन सेटिंग्स मिलती हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ करना, असाइन करना। तो FN बटन जब आप प्रेस करते हैं, जब आप कैमरा स्क्रीन पर रहते हैं और FN बटन को प्रेस करते हैं, तो आपके सामने एक क्विक मेन्यू ओपन होता है, और ये क्विक सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए, तो आप इसको असाइन कर सकते हो फॉर मल्टीपल सेटिंग्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेन्यू में गया और मेरे को FN बटन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे असाइन करने के लिए है जो है मेरा ऑफकोर्स ड्राइव मोड, फोकस ड्राइव मोड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फोकस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है, फोकस मोड,
ठीक है, फोकस एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इन जनरल है, ISO मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, मीटरिंग, अगर मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ तो फ्लैश कंट्रोल, मतलब क्रिएटिव लुक मैंने वो असाइन किया हुआ है, वाइट बैलेंस, स्टडी शॉट, इमेज क्वालिटी सेटिंग्स, तो आपकी जो इमेज की क्वालिटी सेटिंग्स है वो मैंने इस पर असाइन की हुई है, और आपका रिकॉर्डिंग मीडिया सेटिंग्स। तो मैं अगर आपको FN बटन पे ले जाऊं तो वी कुड सी के मेरे को अगर इमेज क्वालिटी चेंज करनी है मैं डायरेक्टली जाके चेंज कर सकता हूं, ठीक है, मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे को FN बटन प्रेस करना है और क्विक मेन्यू को एक्सेस करना है। वैसे ही फॉर मीटरिंग, वैसे ही फॉर ISO, वैसे ही फॉर हर स्पेसिफिक शॉर्टकट जो आपने सेलेक्ट किया है। ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको असाइन करिए जो भी आपकी अच्छी सेटिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। मुझे ये सेटिंग्स पसंद है तो मैंने इसे इस पर बेसिकली असाइन किया हुआ है। तो ये जो है बेसिकली कुछ मेजर सेटिंग्स हैं जो मैं कस्टमाइज़ करता हूँ 7.4 के साथ में, और ये सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आप कर लेंगे तो ऑफकोर्स आपका मैक्सिमम वर्क जो है वो फोटो के टाइम पर आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने मेरा कैमरा बेसिकली असाइन किया हुआ है फॉर फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एज आई सेड, आपको अपनी खुद की मनपसंद सेटिंग्स को फ्लैक्सिबिलिटी रहता है, आप उसको असाइन कर सकते हो अपनी मनचाही सेटिंग्स में, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से असाइन किया हुआ है, जो भी आपकी मनचाही सेटिंग है उसको आप अपने हिसाब से कस्टम करो, आपके लिए बेटर रहेगा ऑलवेज। बाकी जो मैंने सेटिंग्स असाइन की हुई है वो वन ऑफ द बेस्ट है फॉर फोटो के लिए, जो कि मैं फ्रीक्वेंटली हमेशा काम में लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आया हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे 7.4 के, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक जाकर के जरूर चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू गाइज नेक्स्ट, हास्ता ला विस्ता।